वेलकम टू ट्राई विस्सा दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीपीएससी के बारे में, सबसे बड़े बदलाव के बारे में बात करेंगे, यूपी ट्रिपल एससी की सभी भर्तियों की अपडेट के बारे में, न्यू वैकेंसी एग्जाम डेट रिजल्ट को लेकर, लेखपाल एजीटीए वीडियो भर्ती और गन्ना पर्यवेक्षक एएनएम जूनियर असिस्टेंट 2019, जूनियर इंजीनियर 2016, जूनियर इंजीनियर 2018, आईटीआई निदेशक अकाउंटेंट स्टेनो लोअर 2019, एएसओ मंडी, इन सब भर्तियों के बारे में बात की जाएगी। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक पूरा देखिए, पूरी बात समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, देखते हैं क्या इसमें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपीपीएससी में सबसे बड़े बदलाव के बारे में। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, एक न्यूज़पेपर में खबर निकल के आई है कि भर्तियों के लिए बार बार नहीं भरना होगा फॉर्म। तो ये बात हो रही है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों के लिए। प्रतियोगी छात्र जो हैं बार बार आवेदन पत्र नहीं भरना होगा। इसमें आयोग ऐसी व्यवस्था करने जा रहा है कि जिसमें अभ्यर्थियों के बार बार व्यक्तिगत शैक्षणिक और प्रोफेशनल योग्यता भरने के बाद उन्हें यूनिक रोल नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। इसके जरिए भविष्य की भर्तियों के लिए उसी आधार पर आवेदन कर सकेंगे, इसलिए बार बार दस्तावेज सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी। वर्तमान में प्रतियोगी छात्रों के पूर्व में भरे गए आवेदन पत्र के आधार पर प्रारंभिक सूचनाएं तो मिल जाती हैं, लेकिन शैक्षणिक योग्यता के अभिलेख नए सिरे से अपलोड करना होता है। इसके बाद तय तिथि तक आवेदन पत्र के प्रिंट आउट की प्रति आयोग में ऑफलाइन जमा करनी होती है, और अलग अलग आवेदन पत्र में फ़ोटो और हस्ताक्षर गलत होने पर भी परेशानी होती है। तो इससे छात्रों का श्रम, समय और धन तो बर्बाद होता ही है, आयोग को भी बार बार एक ही छात्र की सूचनाएँ सत्यापित करनी पड़ती हैं। तो आयोग के जो मीडिया प्रभारी और पुष्कर श्रीवास्तव का कहना है कि अब एक बार भर्ती करने और अभिलेखों के सत्यापन होने के बाद छात्रों को बार बार आयोग के चक्कर नहीं काटने होंगे, और एनआईसी से इस संबंध में वार्ता चल रही है। तो जैसे ही अप्रूवल मिलता है और ये लागू कर दिया जाएगा। इसके अलावा ये आप देख सकते हैं, अमर उजाला में भी ये न्यूज़ निकल के आई है। ये देखिए, अमर लिखा हुआ है, एक क्लिक पर पूरा होगा हर परीक्षा का आवेदन, अमर उजाला ब्यूरो। तो ये सब वही चीज़ लिखी हुई है जो मैंने भी अभी आप लोगों को बताया, ठीक है ना। तो यहाँ पे डाटा बैंक तैयार किया जा रहा है, और फिर जल्दी ये व्यवस्था लागू हो जाएगी, और इससे काफ़ी सुविधा हो जाएगी छात्रों को और आयोग को, दोनों लोगों को। इसके अलावा कल पीसीएस 2021 मेंस का रिजल्ट आया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, 1285 अभ्यर्थी ही सिर्फ सफल हो पाए थे, 623 पद हैं टोटल यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो 1285 अभ्यर्थी सिर्फ इसलिए सफल हो पाए क्योंकि 3 गुना अभ्यर्थी जो हैं इंटरव्यू में लिए जाते हैं, लेकिन जो छात्र जो हैं वो नहीं मिल पाए थे, जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो भी नहीं ला पाए छात्र, तो इसलिए सिर्फ 1285 छात्र ही सफल किए गए। तो यहाँ पे आप पूरी कहानी पढ़ सकते हैं, ये सब कुछ लिखा हुआ है। इसके अलावा दूसरे न्यूज़पेपर में अमर उजाला ब्यूरो में भी ये न्यूज़ देखने दी गई है। देखिए, पीसीएस मेंस में 1285 अभ्यर्थी सफल, और यूपीपीएससी ने जारी किया परिणाम, मानक से कम अभ्यर्थी इंटरव्यू के लिए हुए क्वालिफाई। तो यहाँ पे देख सकते हैं अमर उजाला की ये न्यूज़ है, और यही सब कुछ लिखा हुआ है जो मैंने अभी शॉर्ट में आप लोगों को बता दिया। अब बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एससी की सभी भर्तियों के बारे में, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लेखपाल के बारे में। तो आप जानते हैं 24 जुलाई को लेखपाल का एग्ज़ाम लगा हुआ, तो आप लोगों का ये एग्ज़ाम जो है बिल्कुल टाइम पे होने जा रहा है, और इसमें हालांकि एक दो केस चल रहे हैं, तो वो कोई उनसे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला क्योंकि बहुत कमज़ोर केस हैं, उसमें कुछ नहीं होगा। तो आप लोगों का एग्ज़ाम जो है वो 24 जुलाई को होके रहेगा 100%, और अगर आयोग नहीं बढ़ाता है किसी अन्य मतलब कारणवश, अगर आगे आयोग नहीं बढ़ाता है, बाकी पूरी तैयारी है, सेंटर जो हैं आप लोगों के वो रिजल्ट हो गए हैं, और जल्दी ही आप लोगों को एडमिट कार्ड जो है वो लास्ट वीक में इसको देखने को मिलेंगे। लगभग 17 तारीख को संडे है, तो 17 को नहीं आ सकते, तो आप लोगों के एडमिट कार्ड जो है 18 तारीख को आ जाएंगे, मंडे वाले दिन 18 तारीख को आप लोगों को एडमिट कार्ड 100% देखने को मिल जाएंगे आपकी वेबसाइट पे, एकदम पक्की न्यूज़ है, ठीक है ना। इसके अलावा बात करते हैं एजीटीए गन्ना पर्यवेक्षक की भर्ती के बारे में। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि अगला विज्ञापन जो है एजीटीए गन्ना पर्यवेक्षक भर्ती का होने वाला है। इसमें एजीटीए की लगभग 2500 वैकेंसी होने वाली हैं, लगभग बोल रहा हूँ मैं, और गन्ना पर्यवेक्षक की जो है लगभग 750 से 800 या 900 तक वैकेंसी हो सकती हैं। ये आयोग के ऊपर डिपेंड है कि कितनी वैकेंसी जो है देना चाहता है। तो टोटल वैकेंसी आप लोगों की जो है वो करीब 3200 से 3500 के बीच में आएंगी, ये मान लीजिए। तो ज़्यादा संभावना यही है कि 3200 मतलब 3200 या 3300 वैकेंसी इतनी कुछ आने वाली हैं दोनों को मिला के। तो आप लोगों की ये वैकेंसी आ जाएगी
अभी तो नहीं आ सकती है क्योंकि मैंने बार बार बताया है आप लोगों को पेट का आवेदन हो रहे हैं, वेबसाइट काफ़ी बिजी है, इसके बाद बाल पुष्टाहार का आवेदन होने हैं। और इसके अलावा जब आप लोगों का ये विज्ञापन मिड अगस्त से पहले नहीं आ सकता, इसकी प्रबल संभावना जो है अगस्त लास्ट वीक से लेके सितंबर के फर्स्ट वीक तक आप लोगों को ये विज्ञापन आयोग की वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन AGTA गन्ना पर्यवेक्षक की भर्ती के बारे में। बात करें वीडियो को लेके, तो वीडियो की जो है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, मैंने आप लोगों को बताया था, इसका अगली सुनवाई जो है वो 15 जुलाई लगा दी गई है। और इसमें कोई खास दम नहीं है छात्रों के केस में, क्योंकि ये पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में सिंगल बेंच डबल बेंच में रद्द हो चुका है केस, और उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में सिंगल बेंच में रद्द हो चुका है और डबल बेंच में सुनवाई चल रही है। तो ये भी ऐसे ही कुछ इसका निर्णय आएगा और स्टेट के पक्ष में, तो आप लोगों का इसका एग्ज़ाम भी जल्द ही आयोग जो है इस एग्ज़ाम से संबंधित जल्द ही नोटिस जारी करेगा, आप लोगों को इसका एग्ज़ाम जल्द ही देखने को मिलेगा। और इसका एग्ज़ाम नवंबर तक लिया जा सकता है, नवंबर में। और बात कर लेते हैं ANM की भर्ती के बारे में, ANM का फाइनल रिजल्ट जो है इसमें जो है पेंच फंसे हुए हैं कुछ, तो आप लोगों का रिजल्ट जो है लगभग बन के तैयार है, लेकिन कुछ टेक्निकल समस्या है उसमें, अभी रिजल्ट में कुछ मैचिंग वगैरह ऐसा करके कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है ना, तो इसमें टाइम लग रहा है थोड़ा, तो अभी एक दो वीक और लगेंगे और हो सकता है आप लोगों का रिजल्ट अगले वीक में आ जाए, ठीक है ना। तो इसमें भी कंफर्म नहीं है, लेकिन जल्दी ही आ जाएगा, ये कंफर्म है, जुलाई में ही आ जाएगा आप लोगों का रिजल्ट जो है फाइनल रिजल्ट, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम और लगेगा, ठीक है ना। इसके अलावा बात करते हैं जूनियर असिस्टेंट के रिजल्ट को लेके, इसके रिजल्ट को लेकर काफ़ी छात्र परेशान हैं, तो इसका रिजल्ट जो है आप लोगों को सितंबर तक देखने को मिलेगा, इसका रिजल्ट है लास्ट अगस्त से सितंबर तक देखने को मिलेगा। और इसके अलावा बात करें जूनियर इंजीनियर 2016 के रिजल्ट को लेके, तो आप लोगों का इसका रिजल्ट भी सितंबर में आने की संभावना है, ठीक है ना। तो अभी इसमें काम बचा हुआ है, अभी इसका काम मतलब जो है इस पर अभी काम नहीं चल रहा है, दूसरी भर्तियों पे काम चल रहा है, लेकिन ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है कि जूनियर इंजीनियर 2016 का रिजल्ट आप लोग जो है सितंबर तक वेट कीजिए, सितंबर को आप लोगों को इसका रिजल्ट देखने को मिल सकता है। छात्र बार बार पूछ रहे थे कमेंट करके, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। और इसके अलावा जूनियर इंजीनियर 2018 का रिजल्ट है, ये अभी लेट होगा और ये अभी काफ़ी लेट हो जाएगा, और नवंबर से दिसंबर तक आप लोगों को ये रिजल्ट बाद में ही बिल्कुल देखने को मिलेगा, ठीक है ना। बात करते हैं ITI निदेशक के बारे में, तो इसकी अभी कोई चर्चा नहीं चल रही है और इसका आप लोगों का एग्ज़ाम जो है वो काफ़ी लेट हो जाएगा, और जो नवंबर में डेट दी गई है एग्ज़ाम कैलेंडर में, हो सकता है उसी डेट पे एग्ज़ाम करवाया जाए या उससे भी लेट हो जाए, तो भी इसके बारे में कोई फ़िलहाल बात नहीं चल रही है आयोग में, तो इसीलिए इसका एग्ज़ाम जो है काफ़ी लेट हो जाएगा आप लोगों का। तो अगली भर्ती है AGTA, और उसके बाद आपकी अगली भर्ती जो है अकाउंटेंट या स्टेनो की आने वाली है, तो मैक्सिमम जो संभावना है वो अकाउंटेंट की भर्ती है या स्टेनो, दोनों में से कोई भी भर्ती आ सकती है, तो ये दोनों के नाम इसी लिए यहाँ पे लिखे हैं, तो ये नई भर्ती आप लोगों को जल्दी देखने को मिलेगी AGTA भर्ती के बाद। और बात करते हैं लोअर 19 को लेकर, तो इसका रिजल्ट आप लोगों को सितंबर लास्ट तक देखने को मिलेगा, ठीक है, लोअर का रिजल्ट सितंबर लास्ट तक आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है ना। इसका रिजल्ट जो है जूनियर असिस्टेंट 2019 की भर्ती के आसपास, इन दोनों पे ही अब काम किया जाएगा, बाकी जो भी काम हो रहा है इसके बाद। और बात करें ASO की भर्ती को लेके, तो ASO की जो है आंसर की जारी कर दी गई है, और मंडी की भी आंसर की जारी कर दी गई है, कल मैंने वीडियो बना के जानकारी दी थी आप लोगों को। तो ये हो गया आज का वीडियो, पूरी सभी भर्तियों की जानकारी यहाँ पे आप लोगों को दे दी मैंने यहाँ पे, अब आशा करता हूँ आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई होगी। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे और वीडियो बनाने के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार।